बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे जी। माह रमज़ान के सेकंड अशराफ आप लोगों को बहुत मुबारक हो जी। आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने जा रहा हूँ जी कि किस तरह मैंने अपने गूगल के ऊपर फर्स्ट पेज पे अपने सारे के सारे सोशल अकाउंट्स हो गए, अपनी वेबसाइट्स हो गई हैं, या जिन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं काम कर रहा हूँ उनके मैंने अपने प्रोफाइल को किस तरह मैंने गूगल के पहले पेज पर रैंक किया हुआ है, किन किन मैंने कीवर्ड्स पर रैंक किया हुआ है। और ये आप भी कर सकते हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की कि मेरे भाई अपनी स्ट्रैटीज आपने वीडियोस में बताई हैं कि आप इस तरह अपना इंस्टाग्राम का या अपना ट्विटर का या अपना फेसबुक का लिंक्डइन का अकाउंट को रैंक कर सकते हैं पहले पेज पर। हम लोगों ने इंप्लीमेंट भी किया है, इवन कुछ तो इंटर्न्स हैं उनके माशाल्लाह काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ भी रहे हैं। तो मैंने कहा जी मैं भी एक छोटी सी वीडियो बना के दिखाता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिकली कि जी मैंने भी अपने गूगल के पहले पेज पे किस तरह मैंने अपने रैंक्स वगैरह लीके आए वो। और ये हर कोई बंदा कर सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने सबसे पहले करना क्या है जी? लेट्स वे जी, हम इस वक्त क्रोम खोल लेते हैं और आपने इनकोग्निटो मोड में जाना है जी। मैं इस वक्त इनकोग्निटो मोड में चला गया और मैं इस वक्त यहाँ पर सर्च करता हूँ जी सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रेटजीज इन पाकिस्तान। चूँकि ये मेरी पोजिशनिंग है, इसके ऊपर मैंने अपनी सारी की सारी डिजिटल ब्रांडिंग क्रिएट की और मैं पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहा हूँ। अब इस वक्त आप देख सकते हैं जी मैंने सर्च किया जी सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रेटजीज इन पाकिस्तान, तो लिखा आ गया जी उमर फहीम एम बी एज सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एज यू एक्सपर्ट सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट ब्ला ब्ला ब्ला। ये मेरा मुस्तकबिल डॉट कॉम का प्रोफाइल है जो मैंने रैंक किया, और इसे हम कहते हैं जी फीचर्ड स्निपेट, इसे हम कहते हैं जी गूगल पोजीशन ज़ीरो। ये सबसे ज़्यादा रिच स्निपेट होता है, ये गूगल के पहले पेज पर आपके 10 रैंक्स होते हैं, ये फर्स्ट रैंक से भी ऊपर आ रहा होता है। इसमें आपका कंटेंट भी ज़्यादा हुआ होता है, इसमें आपका जो है कंटेंट जो है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी जो आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस होते हैं उससे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ज़्यादा हाईलाइटेड होता है, और ये आपकी स्पेस भी ज़्यादा ले रहा होता है, आपका अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा होता है, काफ़ी प्रोमिनेंट होकर हाईलाइट होकर चीज़ सामने आ रही होती है। तो आप देख सकते हैं जी कि गूगल फर्स्ट पेज पर जाके मेरा मुस्तकबिल डॉट कॉम का जो है जी गूगल ज़ीरो पोजीशन में मेरा ये रैंक हुआ हुआ है, और ये रिच स्निपेट भी मेरे पास इस वक्त मेरे इस कीवर्ड पे मेरे या इस कीवर्ड पे कह लीजिए क्वेरी पे कह लीजिए रैंक होकर आ रहा है। फिर हम नीचे आके देखेंगे मेरा लिंक्डइन का अकाउंट जो है जी मैंने वो भी रैंक किया हुआ है। फिर उसके नीचे आप जाके देखेंगे मेरी जो विक्स डॉट कॉम की फ्री वेबसाइट है, इसमें मैं आपको बता दूँ मैंने अभी विक्स से परचेज़ करके डोमेन परचेज़ नहीं की, ये मैंने ट्रायल बेसिस पे बनाई थी, और ये चीज़ मैंने इसलिए बनाई थी कि मैं चेक करूँ कि रैंक होती है कि नहीं। आप देख सकते हैं वो भी रैंक है। फिर नीचे मेरा ट्विटर का अकाउंट है, मेरा वो भी रैंक है। फिर अगर हम वीडियोस की बात कर लें, नीचे देखें मेरे यूट्यूब की चैनल की वीडियोस भी गूगल में मैंने रैंक की हुई हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जी मैंने अपना चैनल गूगल में पूरा का पूरा यूट्यूब का रैंक किया हुआ है, तो वीडियोस मेरी ऑटोमेटिकली उसमें रैंक है। फिर मेरी हीक डॉट कॉम की फ्री वेबसाइट थी, ये भी मैंने ट्रायल बेसिस के लिए बनाई थी। दोबारा बताता हूँ मैंने आप दोबारा बता दूँ मैंने इनसे डोमेन परचेज़ नहीं की थी, ये मैंने ट्रायल बेसिस पे की थी, लेकिन मैंने मकसद ये था कि मैं चेक कर पाऊँ कि क्या ये चीज़ रैंक होती है कि नहीं, तो ये चीज़ रैंक हो चुकी है। फेसबुक का जो है मेरा देख लीजिए, मेरा जो मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, वो भी मैंने रैंक किया हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। और ये किसी का आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये मेरा यूट्यूब का जो है मेरा चैनल लर्न विद उमर फहीम एम बी, ये भी मैंने यहाँ पे रैंक किया हुआ है, ये मुझे बता भी रहे थे 12 घंटे पहले मैंने ये वीडियो डाली, 12 घंटे मैंने वीडियो पहले ये वीडियो डाली, ये सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये स्ट्रैटेजीज हैं जी कि आप अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने इन सारे अकाउंट्स के ऊपर, और इनके ऊपर सब मैंने वीडियो बनाई है कि आप किस तरह अपना मुस्तकबिल डॉट कॉम का अकाउंट रैंक कर सकते हो, लिंक्डइन कैसे कर सकते हो, विक्स कैसे कर सकते हो, या फेसबुक कैसे कर सकते हो, ट्विटर कैसे कर सकते हो, इन सब पे मैंने डिटेल अपनी डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ के कोर्सेज मैंने वीडियो बनाई है। यूट्यूब पर मेरे वो कोर्सेज शेयर हैं, फ्री में शेयर है, क्योंकि मेरा मानना है जी कि लेट्स गिव बैक टू सोसाइटी। और पिछले लगभग 1 माह और 3 महीनों से, एक सॉरी 1 साल और 3 माह से मैं लगा हुआ हूँ लोगों से अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने वीडियोस के फॉर्म में, उनको प्रैक्टिकली अब मैंने दिखाना शुरू कर दिया कि भाई ये देखो ये चीज़ें ऐसे मैंने रैंक की, आप भी ये चीज़ कर सकते हो। अब हम अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लेट से हम इसको करके देखते हैं जी क्या हम सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट के कीवर्ड पर रैंक होते हैं। लें जी सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट के कीवर्ड पे मेरा इसमें पोजीशन ज़ीरो नहीं आ रही, लेकिन पहली रैंकिंग मेरी मुस्तकबिल डॉट कॉम का अकाउंट आ रहा है, फिर मेरा लिंक्डइन का अकाउंट आ रहा है सेकंड पे, फोर्थ पे मेरी विक्स की वेबसाइट आ रही है, फिर मेरी यूट्यूब की वीडियोस आ रही हैं, फिर मेरी हीक डॉट कॉम की वेबसाइट आ रही है, और साथ ही में दूसरे जो भी लोग हैं, हाँ इमेजेस पे भी जाके देखें मेरे इमेजेस वगैरह भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस कीवर्ड पे भी मैंने चेक कर लिया, मैं इसको देखते हैं जी डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान देख लेते हैं जिस पर क्या होता है। नहीं जी डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान लिखा, फिर इसमें मेरी पोजीशन ज़ीरो आ रही है मुस्तकबिल की, उसके बाद मेरा लिंक्डइन का अकाउंट आ रहा है, फिर मेरी यूट्यूब की वीडियोस आ रही हैं, फिर अगेन मेरी विक्स की वेबसाइट, फिर मेरी हीक डॉट कॉम वाली वेबसाइट आ रही है, फिर मेरा फेसबुक का प्रोफाइल आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको करते हैं हम, क्योंकि देखें लोगों ने सर्च किस तरह करना है, कभी कभी लोग गलत वर्ड लिख के सर्च कर रहे होते हैं, तो आपके हर चीज़ पर रैंकिंग आनी चाहिए। अब हम लिखते हैं डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट पाकिस्तान,
लिंक्डइन का अकाउंट आ रहा है, मुस्तकबिल का अकाउंट आ रहा है, विक्स डॉट कॉम आ रही है, हीक डॉट कॉम आ रही है, ब्रेमर्स की वेबसाइट आ रही है ज़बरदस्त, यूट्यूब की वीडियोज़ आ रही है और मेरे इमेजेस आ रहे हैं, मेरा फेसबुक का अकाउंट आ रहा है। और अब हम इसको अगर चेंज करके देखते हैं जी, बेस्ट डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन लाहौर, देखते हैं कि क्या हमें मिलता है कि नहीं। अब ये देखें जी, इस पे मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे मेरा मुस्तकबिल का अकाउंट है, फिर मेरा फोर्थ पे लिंक्डइन का अकाउंट आ रहा है और ब्रेमर्स की वेबसाइट है और मेरा फेसबुक का अकाउंट आ रहा है, इस पर भी हम रैंक है। इसको अगर हम करते हैं जी बेस्ट डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, ले जी बेस्ट डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान पर आप सर्च करें मुस्तकबिल के, मेरी पोजीशन ज़ीरो आ रही है पहले पेज पे गूगल के आ रही है, फिर मेरा लिंक्डइन का अकाउंट आ गया, फिर मेरी यूट्यूब की वीडियोस आ गई, फिर मेरा फेसबुक अकाउंट आ गया। और अगर हम इसको लिखते हैं जी सर्टिफाइड, मैंने डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट रखा था, अगर मैं देखूँ सर्टिफाइड SEO स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान तो क्या है, ले जी सर्टिफाइड SEO स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान लिखा, फिर मेरा अब इसमें देखिए जी मैंने लिखा सर्टिफाइड SEO स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, पहले मैं लिख रहा था सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, तो मेरा जो मुस्तकबिल डॉट कॉम का अकाउंट था वो मेरा पोजीशन जीरो में आ रहा था रिच स्निपेट में। अब मैंने सर्च किया सर्टिफाइड SEO स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, तो मेरा रिच स्निपेट में मेरा लिंक्डइन का अकाउंट आ रहा है। ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है, मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई है लिंक्डइन अकाउंट के पैसे कैसे कर सकते हैं, फिर मेरी यूट्यूब की वीडियोज़ है, फिर मेरा मुस्तकबिल का अकाउंट है, फिर मेरी फेसबुक का प्रोफाइल आ गया, मेरे हीक डॉट कॉम आ गई, मेरी विक्स की वेबसाइट आ गई, और साथ ही इसी में ले जी ये चीज़ें मेरी आ गई पहले पेज पर। और अगर हम इसे करते हैं SEO स्ट्रैटेजिस्ट इन लाहौर करके देख लेते हैं, नहीं जी ये किसी ने लिखा हुआ जी सर्टिफाइड SEO स्ट्रैटेजिस्ट, ये उनके लोकल SEO रैंकिंग आ रही हैं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लें जी थर्ड पे मेरा भी आ गया, फोर्थ पे भी मेरा आ गया, लिंक्डइन का अकाउंट भी मेरा आ गया, मुस्तकबिल डॉट कॉम का अकाउंट भी मेरा आ गया, और माशाल्लाह अभी काफ़ी लोगों ने इसको रैंक किया हुआ है। तो देखिए जी इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक कंसिस्टेंसी है, मोटिवेशन है, डिवोशन है, और एक स्ट्रैटेजीज हैं जो प्रॉपर तरीके से मैंने लगाई, और इन इंक्वायरीज पे मैं जाके गूगल के पहले पेज पे मैं शो होता हूँ, तो आप लोग भी इस पे शो हो सकते हैं। लेकिन अगेन नो पेन नो गेन वाली बात है जी, आप अगर पेन लोगे तो आपको इतना अच्छा गेन मिलेगा कि आपके गूगल के पहले 10 रैंक्स आपके आ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है जी कि मैंने तकरीबन तकरीबन 5 साल की मेरी मेहनत है, और 5 साल की मेहनत लगाने के बाद अब अल्लाह का शुक्र है जी कि मैं गूगल के पहले पेज पे पहले 10 रैंक्स मेरे आते हैं, गूगल पोजीशन ज़ीरो मेरी आती है, ठीक है। और यही चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, यही स्ट्रैटेजी मैं आपसे अपने कोर्सेज में शेयर करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप इसे इंप्लीमेंट कीजिए ताकि आप अपने अकाउंट्स में रैंक करें। अल्लाह का शुक्र है मेरे काफ़ी इंटर्न्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, वो अपने अकाउंट्स रैंक करना शुरू हो चुके हैं, और काफ़ी ने तो जी माशाल्लाह लिंक्डइन पे लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के सर्विसेज के तौर पे उसको सेल भी करना शुरू कर दिया, और ये एक अच्छी बात है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ मैं अभी तक इस चीज़ को एज अ सर्विस नहीं सेल करता, मैं अभी तक मेरा मानना है जी कि गिविंग बैक टू सोसाइटी शुड बी फॉर फ्री, तो मैंने अभी तक अपने कोर्सेज के थ्रू या मुझे जो लोग कॉल करते हैं, जो मुझसे कंसल्टेंसी देते हैं, उनको मैंने इस चीज़ को मैंने फ्री किया हुआ, ठीक है। तो ये थी जी मेरी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया जी कि इन इन क्यूरीज के ऊपर, इन इन पोजिशनिंग स्टेटमेंट्स के ऊपर मैं रैंक कर रहा हूँ, और अगर आप भी थोड़ी सी मेहनत करें तो आप भी इस तरह गूगल के पहले पेज पर रैंक कर सकते हैं। रैंक करना कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी डिवोशन, आपकी मेहनत और आपकी कंसिस्टेंसी इसमें रिक्वायर्ड है। और मैं हमेशा कहता हूँ जी हार्ड वर्क ज़रूर कीजिए लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी कीजिए, ठीक है। मुझे तो 5 साल लगे इस चीज़ को करते करते, लेकिन अब 5 साल की मेहनत जो है मैं इस वीडियो में आपसे बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को 5 साल मत लगे, आप लोग भी इसको एटलीस्ट 3 मंथ्स के अंदर अपने सारे के सारे सोशल प्रोफाइल, वेबसाइट्स और जो जो लिंक है आप सबको ऑप्टिमाइज़ करके गूगल के पहले पेज पर आ सकते हो। आई होप जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपना मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जिसे कहते हैं जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, और आगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दीजिए हम लॉकडाउन भी ख़त्म करने जा रहे हैं, तो मज़ीद हालात जो है वो बेहतर तो नहीं होते नज़र आ रहे, क्योंकि तकरीबन आज 6 मई 2020 है, तो 22,500 के करीब हमारे पाकिस्तान में कन्फर्म केसेज कोरोना के हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर से ये कोरोना वायरस वाली जो वबा है, अजाब जो है ये उठा लें, ताकि और जो जो लोग हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं इस कोरोना की वजह से अफेक्ट हुए, अल्लाह ताला उनको सेहत याबी और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नहीं जी मुझे अपने वीडियो पे फीडबैक, मेरी वीडियो पे मुझे ज़रूर दीजिएगा वीडियो कैसे लगी, और क्या आपकी कोई अपना सोशल अकाउंट अगर आपका रैंक कर रहा है मुझे उसमें ज़रूर बताइएगा।
और दूसरी बात मेरी, प्लीज़ मैं कभी नहीं कहता जी मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें या बेल आइकन दबाएं या मेरी वीडियो लाइक करें, ठीक है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं, अगर नहीं आपको दिल मानता आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरे सोशल चैनल पर मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। बस मेरा कंसर्न ये होता है जी जो चीज़ आपको सिखाई है उस कॉन्सेप्ट को समझिए और उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कीजिए और आगे लोगों से जाके शेयर कीजिए, ठीक है। बस ये मेरा मकसद है और ये छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को मैं डिटेल्स वगैरह बता सकूँ किस तरह आप भी अपने सोशल अकाउंट्स को रैंक कर सकते हो और गूगल के पहले पेज पे आ सकते हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।